रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे व्यूअर्स, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप भी सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और आपको हमेशा अपने बच्चों से पे सलामती दे और आपको अपने बच्चों की खुशियां देखनी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा चैनल है माँ जी हरफन वाला, माँ जी हरफन वाला, माँ जी हरफन वाला, तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स में मेरी हौसला अफजाई करें। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको डेली कुछ ना कुछ दिखाती रहूंगी। आज बेटी माशाल्लाह बनाने लगी थी कोल्ड कॉफी, तो मैंने कहा तुम जो बनाने लगी हो तो ना मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, मैं खुद बना देती हूँ। अगर मैं इतना कुछ बना रही हूँ तो ये नहीं मैं बना सकती हूँ। तो फिर उसने मुझे कहा कि चले ठीक है आप, मैंने कहा चलो आज मैं आप अपने व्यूअर के साथ भी शेयर करती हूँ। तो जा रही है और सीजन जो है वो चेंज हो रहा है, तो चले जाते जाते एक दफा कोल्ड कॉफी पी ले। उस ये कॉफी है, ये चीनी है, ये डेरी मिल्क है और ये किट कैट है, ये आइसक्रीम है और ये मैंने मेल्ट की है चॉकलेट, ये होगी ये देखें। और ये तो फिर आप पता ही इसके बाद ये चॉकलेट जो है ये मेल्ट की है। मैं चले जी बिस्मिल्लाह करती हूँ, अल्लाह खैर करे। देखे ये मैंने पीनी नहीं है, ये होने के लिए ये फ्रीजर में दूध रखा हुआ था जो मैंने आपको बताया, अब मैंने निकाला है। मैंने ये देखे नया मंगवाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ी बनानी है क्योंकि मैंने नहीं पीनी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसमें ये डाल लिया, पानी डाल के ना मैं इसको बीट करूंगी। चलेंगी ये अच्छी तरह से मैश हो गया ये कॉफी जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ये कॉफी जाया नहीं करते हैं किसी चीज को भी, को अच्छी तरह से। अब इसमें मैं 2 टीस्पून जो है ये इसी वाले चम्मच बिस्मिल्लाह, क्योंकि मिठास तो है इसमें ना, थोड़ी बर्फ डालूंगी, क्यूब डालूंगी। दूध फ्रीजर में रखा हुआ था ना इसलिए, अभी प्लेट है मेल्ट की हुई, ये ऑप्शनल है इसमें, इसको टेस्ट ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप जो भी इसमें डालें ज्यादा टेस्ट हो जाएगा। चले चाहे आप इसके अंदर ही डाल दें, लेकिन मैं टॉपिंग के लिए करूंगी ताकि वो बेटी को वैसे पसंद है, तो मैं आपके सामने इसको ब्लेंड करती हूँ। प्रेजेंटेशन करने लगी हूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन के बगैर तो मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी। अब इसकी प्रेजेंटेशन जो है, चले मैं तो अब माँ जी ने तो अपने हिसाब से कर दिया ना। ये देखिए माँ जी के ग्लास आपको कैसे अच्छे लगे हैं। चले ये देखे माँ जी की प्रेजेंटेशन देखे, माँ जी तो सजाए बगैर तो कुछ रखती ही नहीं है ना। कोल्ड कॉफी, कोल्ड कॉफी, क्या बात है, क्या जबरदस्त। मैं गार्निशिंग के लिए ये टॉपिंग कर रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तो हाथ ही चलेगा, ये देखें आप इस पे।
कि मैं इसमें चॉकलेट, क्या बात है, ये ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले कोई बात नहीं, ज़्यादा भी डल गई तो कोई बात नहीं, खुद ही खाने है ना। चले खाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। ये आज मेरी कोल्ड स्ट्रॉ, और ये है 200 का गिलास। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी टॉपिंग करती हूँ। प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, प्यारी बहुओं, देखो माँ जी ने कोल्ड कॉफी बना ली है, और आपके सामने ये जाते जाते मैंने कहा ये भी ये कोल्ड कॉफी पी ले, ताकि मौसम चेंज हो रहा है, फिर तो नहीं, फिर कोल्ड कॉफी नहीं, फिर वैसे कॉफी चलेगी। तो प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, प्यारी बहुओं, देखो माँ जी ने कोल्ड कॉफी बना ली है, और आपके सामने ये जाते जाते मैंने कहा ये भी ये कोल्ड कॉफी पी ले, ताकि मौसम चेंज हो रहा है, फिर तो नहीं, फिर कोल्ड कॉफी नहीं, फिर वैसे कॉफी चलेगी। तो आप ये देखे कितनी जबरदस्त, देखिए बेटियों बहू, मैंने देखो कितनी जबरदस्त बना ली है कोल्ड कॉफी, और आप भी इसी तरह मेरी तरह की रेसिपी आप इसी तरह बनाए, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। अब ये मैंने बना तो लिया, मैंने भी बस मैंने बताया हुआ ना शुगर है, मैंने नहीं, मैंने सिर्फ एक सिप लेना है वो इनकी खुशी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या जबरदस्त, क्या चिल और जबरदस्त बना ली है कोल्ड कॉफी, आप भी बिल्कुल इसी तरह बनाए। चलो जाते जाते आप जरूर बनाएंगे कोल्ड कॉफी, फिर सर्दियों में फिर दूसरी कॉफी हॉट कॉफी पिएंगे। तो यह मुझे इसमें ये बताए कि मैंने प्रेजेंटेशन कैसी की है, मैंने बनाया कैसे है, और कैसी लग रही है आपको ये कोल्ड कॉफी। तो आप मुझे इसमें ज़रूर कमेंट्स दें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, और इसी तरह आप ज़रूर बनाएं, तो बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिए। तो मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं, आप मेरे लिए दुआ किया करें। मैं हमेशा हर वीडियो में यही कहती हूँ कि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, और यकीन करें आप, मैं दिल से दुआ करती हूँ कि मुझे पता है कि मेहनत करनी पड़ती है वाकई। मैं तो चले खुद अकेली हूँ, एक किस्म की बच्चों से फारग हो गई हूँ, लेकिन जो बच्चों वाली भी ये काम करती है, मैं उनको सलूट करती हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि माशाल्लाह वाकई वो बहुत मेहनत करती है। तो लेकिन उनको उसका रिटर्न जो है ना वो ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला से उम्मीद लगानी चाहिए, अल्लाह ताला से इस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए कि रहमत का है दरवाज़ा खुला, मांग अरे मांग। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि मैं तो अकेली कर रही हूँ, बच्चों वाली भी अगर ये काम कर रही है तो मैं उसको फिर एक दफ़ा फिर सलूट करूँगी कि बड़ी हिम्मत की बात होती है टाइम निकालना, एडिटिंग करनी, फिर उसको करना अपलोड वो कर। तो मेरी तरफ से सबको ढेर सारी दुआएं कामयाबी के लिए, और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।